हेलो, आज हम हिंदी करेंगे। पाठ का नाम है लक्ष्मी, स्टैंडर्ड 10th, हिंदी 100। अभी ये पहले कथा शुरू करने से पहले मैं कुछ किरदार बताती हूँ। इसमें कुल मिलाकर 5 किरदार है। पहला किरदार करामत अली, दूसरा किरदार उसकी पत्नी रमजानी, तीसरा किरदार है उसका बेटा रहमान, चौथा किरदार ध्यान सिंह जो करामत अली का दोस्त है, पांचवा किरदार कुल लक्ष्मी। ये लक्ष्मी कौन है? ये लक्ष्मी एक गाय है। अभी ये गाय जो है उसके बारे में बताने से पहले हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब रहमान लक्ष्मी को मार रहा है, 4-5 डंडे मारता है क्योंकि उसने आज भी दूध नहीं दिया, कल भी दूध नहीं दिया, आज भी दूध नहीं दिया। ये गाय जो है लक्ष्मी गाय, वो अभी बूढ़ी हो चुकी है, इसकी वजह से ये दूध देना उसने बंद कर लिया। जब करामत अली कारखाने से आता है, उसको ये बात पता चलती है कि रहमान ने उसको आज मारा, 4-5 डंडे मारे। वो फट से लक्ष्मी को मिलने जाता है, लेकिन लक्ष्मी जो ऐसी है किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती। उसको बहुत डर लगता है क्योंकि उसको लगेगा कुछ कोई मुझे मारेगा, कोई भी मार सकता है। इस डर से वो किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती है। लेकिन करामत अली जब उसे हाथ लगाता है, उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ती है। सिहरन मतलब दर्द होता है उसे, लेकिन वो हाथ लगाने देती है। वो प्यार से उसके पीठ पर हाथ हिलाता है, हाथ फिरोता है, बोलता है कितनी बेरहमी से मारा है इसको, ऐसे कोई मारता है? ये कुछ कारण है? दूध नहीं देती इसलिए मारते हो? गलत बात है। तभी रमजानी आती है, कुछ ऊटन लगाकर लेपन लेकर आती है, बोलती है लगाओ इसे, थोड़ा दूध अच्छा हो जाएगा, निशान मिट जाएंगे। वो लगाने लगता है, लक्ष्मी भी उसको लगाने देती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है अपना मालिक। लेपन लगाते लगाते उसको कुछ बात याद आती है लक्ष्मी के बारे में कि लक्ष्मी यहाँ कैसे आई। उसका एक दोस्त था, उसका नाम था ध्यान सिंह नाम था उसका। ध्यान सिंह और ये दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे। सुबह दोनों, करामत अली और ध्यान सिंह दोनों एक साथ जाते थे, एक ही डिपार्टमेंट में थे, साथ ही वापस आते थे। ऐसे बहुत वर्षों तक चलता रहा। ये ध्यान सिंह जो है उसे कुछ गाय भैंस पालने का शौक था, बहुत सारी गाय भैंसे उसके पास थी। कुछ 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय ली थी, उसका नाम रखा लक्ष्मी। यही वो लक्ष्मी। एक दिन क्या हुआ, उसका ध्यान सिंह का रिटायरमेंट का समय आ गया। ये जर्सी गाय ना दूध बहुत देती थी, इतना दूध देती थी कि घर पे भी पूरा होकर बाहर बेच सकते थे। दूध बेचने का धंधा तो नहीं था, अड़ोस पड़ोस में देते, सब जगह देते, बहुत दूध मिलता था और कुछ पैसे भी मिलते थे जो इसी के खाने पीने में खर्च करता था। दूध बेचने का धंधा नहीं था उसका, काम तो कारखाने में करता था इसके साथ, करामत अली के साथ। तो इसका रिटायरमेंट का समय आ गया, 15 दिन बचे थे रिटायरमेंट को, लेकिन उसके दिमाग में कुछ टेंशन था। करामत अली ने पूछा, क्या हुआ मियां? इसने बोला, बाकी तो सब ठीक है, लक्ष्मी के बारे में सोच रहा हूं।
क्या सोच रहे हो लक्ष्मी के बारे में? वही, उसका क्या करूं? ये मकान छोड़कर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा, बताओ क्या करूं? लक्ष्मी को थोड़ी ना वहां लेके जा सकता हूं, क्या करूं? एक काम करो, मैं तुम्हारे यहां रख लो उसे। करामत अली बोला, नेकी और पूछ पूछ, रख लो उसे, मैं संभालूंगा उसको। तो ऐसे करके ये जो गाय, लक्ष्मी गाय जो है, वो अभी करामत अली के पास रहने लगी। करामत अली उसकी सब ध्यान रखता था। ऐसे करते 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 एक साल गुजर गया। उसको खाना पीना देता था, अच्छे से अच्छा बढ़िया खाना देता था, बहुत दूध देती थी। जो भी पैसे मिलते थे वो फिर से इसके खाने में ही जाते थे। लेकिन अभी एक दो दिन से दूध देना बंद हुआ। इनके पास पैसे की तो कमी थी, क्योंकि कमाने वाला एक ही था। इसी वजह से बेटा बहुत गुस्सा होता था कि ये दूध भी नहीं देती है, इसको खाली बांध के रखो और उसको खाना दो, दिन भर उस काम करते रहो, दूध तो नहीं देगी, क्या फायदा? बेटे को लगता था, पत्नी को लगता था। यही सोच सोच कर करामत अली कारखाने जा रहा था। कारखाने जाने के बाद वहां एक दोस्त मिला, बोला, मिया तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। करामत अली बोला, हाँ टेंशन तो है। उसने सब बातें बता दी। ये सब बता दे बातें बताने के बाद उसने बोला, इसमें कौन सी बात है, उसको बेच दो ना, एक फटाक से डिसीजन हो जाएगा, उसको बेच दो। बेचने का तो डिसीजन है, लेकिन उसके दिल में कुछ हो रहा था, क्योंकि वो बेचने के लिए भी इतना तैयार नहीं था। कहाँ बेचू, किसे बेचू, वो कैसे उसके साथ बर्ताव करेगा, ये भी सब बातें थी। ठीक है, घर पे आया। घर पे आने के अंदर आने से पहले उसने लक्ष्मी को देखा। आने के बाद पहले पत्नी को पूछा, रमजानी को, रमजानी तुमने उसको चारा दिया? रमजानी बोली, हाँ रहमान को तो मैंने बोला था, दिया होगा शायद उसने। इसका मतलब तुम दोनों ने नहीं दिया, दोनों ने उसको चारा नहीं दिया, वो खुद खाया पिया नहीं, पहले उठा, रमजानी इसका लक्ष्मी का खाना बनाया और सब खाना बनाकर लक्ष्मी के पास गया। लक्ष्मी उसमें मुंह मारने लगी, मतलब इतनी भूख थी उसको, उसको खाना था, खाना खाने लगी। जब खाना खाने लगी तब मैंने, मतलब करामत अली ने उसके पीठ पर हाथ फिरोया। उसको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन भूख भी लग रही थी। सब खाना उसने खा लिया। उसने देखा जो लेपन लगाया था ना सुबह, उसका फायदा हो रहा है, दाग काले पड़ गए हैं, मतलब अच्छा हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हो गया। वो अभी रमजानी के साथ बोलने, इसकी लक्ष्मी के साथ बोलने लगा, पिछले टाइम डॉक्टर के पास हम गए थे ना, डॉक्टर ने बोला था अब ये ज्यादा से ज्यादा एक साल रहेगी, उसके बाद नहीं, मतलब समय तो आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई मारे, इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, और वो भी कोई कुछ भी कहां पर भी, नो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोचते 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 अंदर गया, खाना खा रहा था, अभी हाथ मुंह धोकर खाना खा रहा था। रमजानी ने टॉपिक निकाला, इसको हम छोड़ देंगे तो, कहीं छोड़ दो, आजाद कर लो, वैसे भी वो किधर जाने की कोशिश करती है, हर बार डोरी आगे पीछे करती है, उसको आजाद होना है, देखते हैं ना क्या होता है। उसने बोला, ठीक है देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन उसका उसकी डोरी निकाल दी, और डोरी निकालने के बाद उसको ऐसी जगह लेके गया जहां पे बहुत हरियाली थी, घास फूस बहुत थी, उसी जगह उसको रखा ताकि उसको घास आसानी से मिल जाए, खाने को आसानी से मिल जाए। जब वापस आया तो एक डेढ़ घंटे में ही पता चला कि लक्ष्मी भी आ गई, उसके साथ एक आदमी था।
उस आदमी ने रमजानी से पूछा, ये गाय आपकी है? रमजानी बोली, हाँ ये हमारी है, इसको अच्छे से रखो, बांध कर रखना अच्छे से, क्योंकि इसने आज मेरे यहाँ आई और मेरे गाय का पूरा चारा खा लिया। रमजानी नीचे सिर रखकर सब सुन रही थी। अगर इसको नहीं रखोगे बांध कर तो मैं ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी अस्पताल में दे दूंगा, अस्पताल में नहीं एक जगह होती है वहां पर दे दूंगा। देखो आगे मुझे मत बोलना। रमजानी बेचारी सब सुनती रही। सब सुनने के बाद जब करामत अली घर पर आए, कारखाने से घर पर आए, तो रमजानी ने बोला, इसको हम बेच क्यों नहीं देते हैं? देखो हमारा बेटा है ना रहमान, उसके पहचान का एक आदमी है, वो उसको खरीदने के लिए तैयार है, उसको बेच दे क्या? तो करामत अली के पास अभी कुछ चारा ही नहीं था क्योंकि पैसे भी कम थे उसके पास। उसने बोला, ठीक है देखते हैं, उस आदमी को लेकर आओ। वो बेटा उस आदमी को लेकर आया। जिस वक्त उसने देखा उस आदमी को, करामत अली ने जब देखा, उसको समझा ये आदमी कैसा है। उसने फिर भी पूछा, तुम गाय को खरीदने आए हो? हाँ मैं खरीदने आया हूं, लेकिन ये गाय दूध नहीं देती है। ठीक है चलेगा, उसका क्या करोगे? लेकिन मियां बताओ क्या करोगे उसका? बेच दूंगा किधर? तो ये बात सुनकर करामत अली बोला, नहीं बेचना है मुझे, क्योंकि उसको मालूम था ये कैसी जगह उसको बेचता है। ऐसी जगह बेचेगा जहां वो टुकड़ों टुकड़ों में बिकेगी, इसको मार डालेंगे ये लोग और बेच देंगे, नहीं बेचना है उसे, बस। ऐसे करके उसने उसको निकाल दिया, उस आदमी को निकाल दिया। और रात को वो सोचने लगा, सोचने लगा, नींद तो नहीं आ रही थी, सोच ही रहा था क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे। अचानक सुबह उठ गया और उठने के बाद सबसे पहले लक्ष्मी के पास गया, कुंडल निकाला और लक्ष्मी को बोला, चल मेरे साथ। लक्ष्मी को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, लेकिन वो मालिक पर बहुत विश्वास करती है। वो जहां ये जा रहा था उसके पीछे 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 जा रही थी। उसने बोला, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे करके वो चल रहे थे दोनों, लक्ष्मी पीछे आ रही थी। लक्ष्मी आते आते लक्ष्मी के साथ बातें कर रहा था, मैं तुम्हें यहां लेके जाऊंगा, ऐसी जगह लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारे मजे है, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें मारेगा नहीं, ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो, अभी सिर्फ चलना पड़ेगा बस। लक्ष्मी तो बेचारी बोल नहीं सकती है, लेकिन वो मालिक के पीछे पीछे जा रही थी, इसका मतलब वो पूरा विश्वास था उस पर, मालिक पर बहुत विश्वास था उसका। जाते जाते उसने फिर से बोला, तुम्हें पता है मैं कहां जेल लेके जा रहा हूं? मैं तुम्हें गौशाला लेके जा रहा हूं। गौशाला मतलब ऐसी जगह जहां पे सिर्फ ऐसी गाय और भैंसे रखी जाती है जो दूध नहीं देती है, बूढ़ी हो चुकी है, जो दूध नहीं देती है, उनको सब खाना, एक ट्रस्ट होती है, ये ट्रस्ट उनका खाना पीना सब कुछ देखती है। तुम लोग अगर लोनावला जाओगे ना, लोनावला में एक टेम्पल है नारायणी टेम्पल, वहां पर उस टेम्पल के नीचे ही एक गौशाला है, उसको मैंने खुद देखा है, वहां पे सुबह का खाना शाम का खाना सब गाय को मिलता है, प्लस कुछ बाहर के लोग आते हैं वो भी उसको खाना पीना देते हैं, मतलब उनमें अच्छे से प्यार से वहां पाला जाता है। ऐसी जगह वो लेके जा रहा था जहां पर उसके मजे ही मजे थे। कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ये कहानी हमें क्या सीख दिलाती है? ये प्राणियों को प्यार करो, जानवरों को प्यार करो, उनको मारो मत। आपको कहानी अच्छी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी।
लाइक मी, सब्सक्राइब मी, शेयर मी, प्रेस बेल आइकॉन एंड मस्का यस।